दोस्तों एक पुरानी कहावत है कि जब इंसान की मति मारी जाती है तो वो कोई ना कोई ऐसा ब्लंडर कर देता है जिसपे आगे चलकर उसे काफी पछतावा होता है और वो खुद से ये बात कहता है कि तुमने ही तो कुल्हाड़ी पर लात मारी थी तो अब भुगतो। तो भैया कुछ इसी दौर से गुजरने वाली है बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारा जो कि भाई खरबूजे पर कूदी है या फिर कहें तो भैया कुल्हाड़ी पर लात मारी है जिसके लिए उन्हें आगे पछतावा होने वाला है। तो भाई कौन है ये अदाकारा जिनको लेकर मैं ये बात आप लोगों से कह रहा हूं, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि भले ही 2024 बॉलीवुड के लिए कोई बड़ा साल अभी तक साबित नहीं हुआ है बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में, लेकिन 2025 जो है मेरे भाई वो कमाई के मामले में तो धमाकेदार रहेगा ही बॉलीवुड के लिए। उसके साथ ही 2025 इस बात का फैसला भी करेगा कि भाई क्या बॉलीवुड की फिल्मों से टकराने की गलती करेगी साउथ इंडस्ट्री की फिल्में। तो भाई इसका जवाब तो हम सभी को 2025 में मिलेगा और भाई इसकी गूंज अभी से ही हम सभी को सुनने को मिलने लगी है जब से दबंग खान ने ये ऐलान कर दिया है कि मॉन्स्टर का रास्ता तो दबंग ही रोकेगा। यानी कि भैया जैसा है एआर मुर्गा दोस्त के डायरेक्शन में बन रही फिल्म यानी कि सिकंदर को लेकर ये घोषणा ऑफिशियली कर दी गई कि ये फिल्म 2025 में ईद के मौके पर रिलीज होगी, तो उसी के साथ ही एक मुकाबले की गूंज सुनाई देने लगी कि क्या दबंग बाबू मॉन्स्टर भाई से पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो क्या, रॉकी का रास्ता रोके हो क्या है भैया, वो वायलेंस करता है और तुम सबको साइलेंस कराने की कोशिश करो। तो भाई रॉकी भाई वर्सेस दबंग भाई यानी कि सिकंदर आएगी मार्च के महीने के अंत में जब ईद होगा और इससे ठीक 10 दिन बाद एंट्री होगी टॉक्सिक की, जो कि भाई केजीएफ के चैप्टर 2 केजीएफ के चैप्टर 1 जैसी शानदार फिल्म देने वाले मॉन्स्टर भाई की फिल्म है यानी कि रॉकी भाई की फिल्म है। और भाई जब रॉकी भाई के फिल्म के साथ मुकाबला हो रहा होगा दबंग के फिल्म का, तो कैसे दबंग की करीबी मित्रों में से एक यानी कि करीना कपूर साथ देंगी। भाई उनका तो हेड टेल वाला चक्कर हो गया कि किसके तरफ जाऊं किसके तरफ ना जाऊं। और भाई इसी वजह से खबरें निकल के आ रही है कि करीना कपूर खान यानी कि भैया बॉलीवुड की बेबो कर चुकी है ये ऐलान कि उनके पास टाइम नहीं है टॉक्सिक भाई के लिए। यानी कि पहले टॉक्सिक के लिए ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही थी कि इस फिल्म में करीना कपूर खान जो है वो यश के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर करेंगे और इस फिल्म के माध्यम से वो साउथ के मार्केट में अपना पैठ जमाने की कोशिश करेंगी, लेकिन इससे पहले की बात बन पाती ये फिल्म पर करीना कपूर खान काम कर पाती कि डेट्स को लेकर लफड़ा हो गया। करीना कपूर के पास इतनी फिल्में हैं क्या कि भाई डेट्स को लेकर इशू हो रहा हो, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस वक्त करीना कपूर के पास में कोई ऐसी प्रोजेक्ट है जिसके लिए वो टॉक्सिक को छोड़ दे, लेकिन कुछ तो चल रहा है भाई इन दिनों इंटरनल फाइट बॉलीवुड वर्सेस साउथ की फिल्मों के बीच में। और इसी वजह से ये खबर निकल के आई कि डेट्स नहीं होने की वजह से करीना कपूर खान ने इस फिल्म को कर दिया टाटा बाय बाय। मतलब करीना कपूर खान ने जब इस फिल्म को मना किया तो टॉक्सिक के मेकरों ने कोशिश किया कि उनके डेट्स के साथ में यश के डेट्स को मैच किया जाए और ये फिल्म बनाई जाए करीना कपूर खान को ही लेकर, लेकिन करीना कपूर ने मन बना लिया था कि वो रॉकी भाई का साथ नहीं देंगी, वो दबंग के साइड में रहेंगी। तो भाई होना तो था ही, तो अब आप ये बताइए कि टॉक्सिक को छोड़ने से फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा। वैसे टॉक्सिक को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि करीना कपूर के बाहर निकलने के बाद अब इस फिल्म के मेकर जो है वो कोई ऐसी एक्ट्रेस इस फिल्म के लिए खोज रही हैं जिनका होल्ड पैन इंडिया पे हो, तो कहीं रश्मिका मंदाना तो नहीं नजर आने वाली है इस फिल्म में।
आने वाले दिनों में आप सभी को पता चल जाएगा। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, ये जो हुआ है खेल, इससे नुकसान किसका होगा? टॉक्सिक भाई का, रॉकी भाई का? वायलेंस 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 करेंगी क्या? तो करीना कपूर को तो यार ये झटका लग गया यार, उनको ये फिल्म करनी चाहिए थी। ये फिल्म उनके लाइफ के लिए एक तुरुप का पत्ता साबित होती है और वो साउथ के मार्केट में अपना होल्ड जमा सकती थी, क्योंकि टॉक्सिक को लेकर जो खबरें हम लोगों के सामने आई है कि भाई इस फिल्म में जो कहानी दिखाई जाने वाली थी, इस फिल्म में करीना कपूर खान का भी जबरदस्त किरदार था। यानी वह इस फिल्म में भाई और बहन का ऐसा बाउंडेशन देखने को मिलता जो कि आप लोगों ने आज तक किसी फिल्म में देखा ही नहीं होगा। लेकिन पता नहीं, हो सकता है करीना कपूर खान को ऐसा मतलब लगा होगा कि भैया हम भाई बहन वाला फिल्म करेंगे क्या है, नहीं करेंगे भाई। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि करीना कपूर खान को इस फिल्म को छोड़ना चाहिए था या नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर उन्होंने इस फिल्म को छोड़ा है तो इससे फायदा किसको होगा, टॉक्सिक भाई को या फिर सलमान खान को? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वॉर्म जंक्शन को लाइक टाइप करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।